नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार वर्मा। सिक्के टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। ऐसे कहा जाता है कि बिहार जुगाड़ों का राज्य है, और अभी मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिससे वो ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो उस वीडियो में है कि अभी कोरोना के वैक्सीन का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इस बीच हमारे प्रदेश के हर शहर में, हर अनुमंडल में कोरोना के टीका का इंतज़ाम किया गया है। तो ये टीके बारी बारी से सबको देना है। सभी लोग लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक शख्स ऐसा जुगाड़, देसी जुगाड़ लगा के टीका दिलवाने पहुंचा, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अंदर से गुस्सा भी आएगा। हंसी इसलिए आएगी कि उसकी हरकतें अजीब है। वो इस तरह का टेक्निक लगाया है टीका दिलवाने के लिए। एक बार आप वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गुस्सा इसलिए आएगा कि एक तरह से हमारा सिस्टम का ये फेलुअर है। प्रशासन का इंतज़ाम नहीं है, लोगों को कोरोना के महामारी में भीड़ में ऐसे ही बिना मास्क के टीका लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्हें कोई गाइडलाइंस की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। और जिस तरह से वो खिड़की में चढ़ के लटके हुए हैं, मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से वो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। खिड़की में अपने दोनों पैरों को ऊपर करके चढ़े हुए हैं, खिड़की का ग्रिल पकड़े हुए हैं। वो गिर सकते हैं, उनको चोट आ सकती है, इंजेक्शन गलत तरीके से लग सकता है, तमाम तरह के दिखते हैं। ये एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। ये ऐसे में एक सवाल है प्रशासन से, हमारे सिस्टम से, हमारे सरकार से, कि क्या इस तरह की हरकत लोगों को शोभा देती है? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है इस तरह के टीम को मैनेज करने के लिए कि पब्लिक को कुछ हो जाए? ऐसे लोग गलत तरीके से पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टीका जो दे रहे हैं उनको भी ख्याल होना रखना चाहिए कि इस तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं तो क्यों टीका दें उनको, क्यों इस तरह के परेशानी का सामना करें। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। व्यवस्था से सवाल है, सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है। सवाल बड़ा तीखा है, हम अपने आप से भी सवाल है। सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, आदमी में खुद समझदारी होना चाहिए। इस तरह का हम थोड़ा सा वक्त दे करके शांति से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए टीका ले सकते हैं, इसमें हमारी समझदारी भी होगी। तो इस तरह का तमाम सवाल है। इस तरह का न्यूज़ हमेशा आपको, आपके सामने रहेगा। आप बने रहिए सिक्के टीवी इंडिया के साथ। मैं शैलेश कुमार वर्मा।